हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पीसी के डिफ़ॉल्ट और लोकेशन कैसे चेंज कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। सबसे पहले आपको अपने पीसी के डिफ़ॉल्ट और लोकेशन चेंज करने के लिए धिस पीसी में जाना होगा। उसके बाद आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। फोल्डर का नाम दे रहा हूँ माई डाउनलोड, और इसके बाद आपको आपके डाउनलोड फोल्डर में जो आपका डिफ़ॉल्ट डाउनलोड फोल्डर है उसमें जाना होगा। उसके बाद उस पर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद लोकेशन में जाना होगा। लोकेशन पे जाने के बाद आपको मूव पे क्लिक करना है। मूव पे क्लिक करने के बाद जिस पीसी में क्लिक करना है, उसके बाद आपको जिस भी आपने ड्राइव में फोल्डर बनाया होगा उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये देखिए, ये आ गया हमारा डाउनलोड जो फोल्डर मैंने बनाया था, उसको सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करना है और उसके बाद अप्लाई पे के बाद आपको यस पे क्लिक करना होगा। यस पे क्लिक करने के बाद ये जो आपका ट्रांसफरिंग प्रोसेस है वो चालू हो जाएंगी। ट्रांसफरिंग को कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होती है मैं वीडियो स्किप कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, अभी डाउनलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने पे आई है। अभी ये कुछ सेकंड पे कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद जो भी आपका एंटीवायरस होगा उसको आपको अलाउ कर देना है। और उसके बाद जो आपकी डिफ़ॉल्ट डाउनलोड लोकेशन है चेंज हो गई होंगी और फिर ओके पे क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरीके के प्रीमियम कंटेंट को फ्री में एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।